नमस्ते व्यू, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ रेंज। आज का मेरा व्लॉग है मेरी एसएससी के ऊपर, जो मैं आपको बताया था कि मैंने एसएससीज की जो डिमांड की थी रॉयल एनफील्ड शोरूम में, वो मेरी एसएससी आ चुकी है, मुझे वहाँ से फ़ोन आ गया है। तो आज का व्लॉग मेरी एसएससी इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। आप देखिएगा कौन कौन सी मैं इंस्टॉल करूँगा और उसकी इम्पॉर्टेंस भी बताऊँगा कि हर एसएससी की क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा मेरे चैनल पर, चलते हैं बाइक की एसएससीज। एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी एसेसरीज मेरी बाइक में इंस्टॉल होने वाली हैं, ये सारी की सारी बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि ये बाइक मैंने अंडर द ऑफ़र पीरियड में ली थी। जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि रॉयल एनफील्ड 10,000 का ऑफ़र दे रहा है ऑन परचेज ऑफ 650। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं रॉयल एनफील्ड शोरूम पहुँच चुका हूँ और ये सारी की सारी एसेसरीज जो मेरी बाइक में इंस्टॉल होने वाली हैं, ये सारी सारी के यहाँ सामने रखी हुई हैं, जिनमें से मैं एक एसेसरीज ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, जो आप मेरी डिलीवरी वाली वीडियो में देख सकते हैं। यह है बाइक का सन गार्ड, जिसका कॉस्ट है 1850। ये है बाइक का टॉल फ्लाई स्क्रीन, जिसका कॉस्ट है 1700। ये अच्छा लुक भी देता है और हाई स्पीड में विंड प्लस भी बचाता है। और ये है बाइक के पॉकेटर्स, ये माचो लुक भी देते हैं बाइक को और साथ साथ शॉकर लीकेज में भी ये हेल्प करते हैं फ्रॉम डस्ट। ये है बाइक का ब्रेस पैड, जैसे कि आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग हो रही है मेरी बाइक की एसेसरीज की। ये है मेरी बाइक का सम गार्ड जो अनबॉक्स हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये है बाइक के फॉग गेटर्स, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रबड़ है। अच्छी चीज़ ये है रॉयल एनफील्ड इसके साथ जो फिटमेंट है इसके, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड कराता है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। देख सकते हैं आप ये इसके साथ दिए हुए फिटमेंट सम गार्ड के साथ। सम गार्ड मुझे रॉयल एनफील्ड का ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू अदर जो आफ्टर मार्केट एसेसरीज में से, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू अदर। एक चीज़ जो आप इंस्टॉल करते हुए पे ध्यान रखिएगा फॉकेटस में, वो है इसकी क्लिप। ये जो क्लिप है ये अच्छी तरह से जो ये फॉकेटस की रबड़ के ऊपर बैठी हुई होनी चाहिए, कि क्या होता है कि जैसे अगर ये ढंग से नहीं बैठी होती तो ये बार बार नीचे खिसकती रहती है। मैंने कई 650 राइडर्स के साथ देखा है कि उनका ये फॉकेटर कुछ राइड के बाद ये नीचे हो जाता है, तो बार बार उसको ये सेट करते रहते हैं। और एक चीज़ फिटमेंट के टाइम पे ध्यान रखिए, ये जो रबड़ है ये कटे ना, क्योंकि अगर ये कटना शुरू हो गए तो ये आगे तक डैमेज हो जाती हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ का अच्छी तरह ध्यान रखें कि अच्छी तरह से ये इंस्टॉल हो। आप देख सकते हैं मेरी ये रबड़ बहुत अच्छी तरह से, ये जो मैकेनिक हैं मंगोलपुरी के रॉयल एनफील्ड शोरूम के, बहुत अच्छी तरह से इंस्टॉल कर रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा ये पॉकेट्स इंस्टॉल करते हुए, कि ये जो शॉकर हैं ये आपके दोनों इक्वल लेवल पे हों, क्योंकि इसके पॉकेट के इंस्टॉल के टाइम ये लूज़ किए जाते हैं। तो उसको आप कैसे देख सकते हैं कि ये जो इसकी एक्सल लोड है दोनों होल से पास हो, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे होंगी तो ये प्रॉपरली एक्सल लोड पास नहीं होगी, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे हैंडलिंग ख़राब हो जाती है बाइक की। आप ये देख सकते हैं सम गार्ड कैसे प्रोटेक्ट करेगा मेरे इसके ऑयल फिल्टर का बाकी नीचे से कई चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रॉयल एनफील्ड जितनी भी एसेसरीज हैं उनमें 2 साल की वारंटी दे रहा है रस्टिंग के ऊपर, और कोई भी किसी भी तरह का इसमें दिक्कत आती है। तो आफ्टर इंस्टॉलमेंट देखिए मेरी सिनेमेटिक शॉट्स।